ओके, सो इन लास्ट लेक्चर वी हैव कवर्ड रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर. ओके, ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ बाय प्लेन मिरर वी हैव कवर्ड. वी हैव कवर्ड नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बिटवीन टू व्हेन एनी ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन टू प्लेन मिरर. ये हम सब कुछ देख चुके हैं. ओके, हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख चुके हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन को अपना पूरा इमेज देखना है तो लेंथ ऑफ मिरर कितना रिक्वायर्ड, इट इज़ एच बाई टू. ये सारे कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में देखे हैं. आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन बाय कर्व्ड मिरर, कर्व्ड सरफेस. ओके, तो हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन बाय कर्व्ड सरफेस. कर्व्ड सरफेस, ओके, कर्व्ड सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन है तो वो कैसा होगा. ओके, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमको समझना है. वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर अगर हमारे पास में एक ग्लास का स्फीयर है ना, ध्यान से समझना, एक स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर लिया हमने. एक स्फीयर के एक पार्ट को हमने कट किया, एक स्फीयर के एक पार्ट को हमने कट किया, इतना पार्ट कट कर लिया, ये स्फीयर, इसका एक पार्ट हमने कट कर लिया, ठीक है, इतना इतना पार्ट हमने कट कर लिया, ठीक है, इस पार्ट को हमने कट कर लिया. नाउ इफ वी आर सिल्वरिंग, यहाँ पर अगर इसको हम बाहर से सिल्वर कर, बाहर से अगर हमने ये पार्ट जो कट किया था इसको बाहर से सिल्वरिंग कर रहा है, ये पार्ट जो कट किया था इसकी सिल्वरिंग फ्रॉम आउटसाइड, तो जो मिरर बनेगा उसको हम कहेंगे कॉनकेव मिरर. क्या कहेंगे? कॉनकेव मिरर, इट इज़ कॉल्ड कॉनकेव मिरर. और इसी पार्ट का अगर अंदर से हमने सिल्वरिंग किया, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कॉनवेक्स मिरर. क्या कहेंगे? कॉनवेक्स मिरर, ठीक है. तो हमारे पास में दो टाइप के कर्व्ड मिरर होते हैं, एक कॉनकेव मिरर होता है, एक कॉनवेक्स मिरर होता है. और इन कर्व्ड मिरर के लिए, इस कर्व्ड सरफेस के लिए, स्फेरिकल सरफेस के लिए, कर्व्ड सरफेस में स्पेशल देख रहे हैं स्फेरिकल सरफेस. ओके, स्फेरिकल सरफेस, तो इस स्फेरिकल सरफेस से जो दो स्फेरिकल मिरर बने, कॉनकेव मिरर और कॉनवेक्स मिरर, इसके लिए कुछ हम बेसिक डेफिनेशंस यूज़ करते हैं, बेसिक पैरामीटर यूज़ करते हैं, उनकी बात आज हम करने वाले हैं, ठीक है. तो कौन कौन से वो पैरामीटर हैं ज़रा देखो. वो पैरामीटर है, एक मिनट, तो वो बेसिक पैरामीटर है, बेसिक डेफिनेशंस हम देख रहे हैं फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस. ओके, हम बात कर रहे हैं बेसिक डेफिनेशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस. ओके, स्फेरिकल सरफेस से बेसिक रिफ्लेक्शन की बेसिक डेफिनेशंस हमको पता होना चाहिए. पहला हम बात करेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो हमने अभी जिस स्फीयर से मिरर को कट किया है, ठीक है, जिस स्फीयर से मिरर को कट किया है उस स्फीयर के सेंटर को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, ये आपने एक स्फीयर लिया था, यहाँ से एक पार्ट आपने कट किया, ठीक है, ये पार्ट कट किया, तो इसके सेंटर को, ये जो सेंटर आया, इस सेंटर को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज कट. ओके, दैट सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिनोटेड बाय कैपिटल सी. Denoted by
ये बेसिक डेफिनेशन हमको पता होना चाहिए. मिरर इज कट इज कॉल्ड, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी. किसे डिनोट करते हैं हम? कैपिटल सी से डिनोट करते हैं. ओके, सेकेंड डेफिनेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेकेंड डेफिनेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या चीज़ है? रेडियस ऑफ कर्वेचर इस स्फीयर का जो रेडियस है, इट इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. उसको क्या कहेंगे हम? रेडियस ऑफ कर्वेचर. इसका जो रेडियस है, जो भी रेडियस है, इट इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, तो इसको हम लिखेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज कट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज कट दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर. ओके, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर. कैपिटल आर से हम इसको डिनोट करेंगे. ओके, डिनोटेड बाय कैपिटल आर. जस्ट अ मिनट. तो नेक्स्ट डेफिनेशन हम क्या देख रहे हैं? नेक्स्ट डेफिनेशन देख रहे हैं हम पोल की. व्हाट इज मीनिंग ऑफ पोल? तो ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल. ठीक है, उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर, जैसे ये जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, इट इज कॉल्ड पोल. ठीक है, तो इट इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करेंगे? डिनोटेड बाय पी. पी से डिनोट करेंगे ज्योमेट्रिकल सेंटर, डिनोटेड बाय पी. एक मिनट बेटा, डिनोटेड बाय पी. ठीक है, पी से हम डिनोट करेंगे. ठीक है, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल. ओके, डिनोटेड बाय पी. नाउ थर्ड, फोर्थ डेफिनेशन इज प्रिंसिपल एक्सिस. व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस? ओके, जैसे आपके पास में मिरर है. ओके, कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है हमारे पास. इट इज ज्योमेट्रिकल सेंटर. ओके, इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो इन दोनों को हमने एक लाइन से मिला दिया, इन दोनों को हमने एक लाइन से मिला दिया. दिस इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. इसको हम कहेंगे एक इमेजिनरी लाइन है ना, इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. जैसे आपके पास में कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका पोल है. ओके, और इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपने इस पोल को मिला दिया. ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड आएगा. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दिया, तो इट इज़ दी प्रिंसिपल एक्सिस. तो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर देखा, हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर देखा, हमने पोल देखा, हमने प्रिंसिपल एक्सिस देखी. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फोकस. नेक्स्ट हम बात क्या कर रहे हैं? फोकस की. सो फिफ्थ डेफिनेशन इज फोकस. व्हाट इज मीनिंग ऑफ फोकस? फोकस क्या चीज है? ठीक है, तो अगर पैरेलल रेज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे आपने क्या किया, ये कॉन्वेक्स मिरर लिया. ठीक है, और ये है उसका प्रिंसिपल एक्सिस, और इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे रेज आ रही है, पैरेलल रेज टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर मीट एट अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस. मीट एट अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर कहीं पे ये सारी आफ्टर द रिफ्लेक्शन आकर मिलेगी. दैट पॉइंट इज कॉल्ड, उस पॉइंट को हम कहेंगे फोकस. उस पॉइंट को क्या कहेंगे? फोकस. इट इज़ नॉट सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस डिफरेंट चीज. इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एफ. ओके, अगर हम कॉन्केव मिरर की बात करें, ये तो कॉन्वेक्स
कॉनकेव मिरर की बात की थी, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे, जरा ध्यान से समझना, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, ये पोल था, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और पैरेलल रेज टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, हमने ऐसे पैरेलल रेज ले ली, एक दो ऐसे बहुत सारी पैरेलल रेज ले ली, तो ये सारी रेज जो है ये डाइवर्ज हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, ओके, और ऐसा लगेगा कि एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, एक पॉइंट से आ रही है, एक पॉइंट पे जाके मिल रही है, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन कैसी हो जाएगी, जरा ध्यान से देखो, ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, तो ये रे ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। ये मिरर के पीछे वाली जो रे है ये आपको अभी केवल इमेजिन करना है, ठीक है, ये सारी रेज अभी इमेजिन करना है, इनको डैश बना देता हूँ क्योंकि ये वर्चुअल रेज है। तो कमिंग मीट एट अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस और अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड फोकस, दिस इज कॉल्ड फोकस। तो यहाँ पर हम एरो की हेल्प से और अच्छे से समझ पाएंगे, ये रे ऐसी डाइवर्स हो गई। अच्छा, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ रहा है कि ये रेज डाइवर्स हो रही है, ये रेज क्या हो रही है, डाइवर्स हो रही है, तो कॉन्वेक्स में कन्वर्स हो रही है, ओके, कॉन्वेक्स में कन्वर्स हो रही है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, कॉन्केव में कन्वर्स हो रही है और कॉन्वेक्स में डाइवर्स हो रही है, तो इस कॉन्केव मिरर को हम कन्वर्जेंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट भी कहते हैं, और इस कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो फोकस, फोकस को कैसे डिफाइन करेंगे, फोकस इज डिफाइन एज पैरेलल रेज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट अ पॉइंट, मीट और अपीयर टू मीट, एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, उसको हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, उसको हम कहेंगे फोकस, ओके, मीट और अपीयर टू मीट। यहाँ पे कन्वर्स हो रही है, इन केस ऑफ फॉर कॉन्केव मिरर रेज आर कन्वर्जिंग rays are converging, that's why it is called convergent mirror, rays are converging, thus it is called convergent, isko hum kya kahenge, convergent kahenge, aur convex mirror mein, for convex mirror rays are diverging, rays are diverging, it is called divergent mirror, it is called divergent, इसको हम divergent कहेंगे। तो ये concept हमको समझ में आया convergent mirror का और divergent mirror का, ठीक है, it is called divergent, ठीक है। next definition हम देख रहे हैं focal length, तो ये तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन हो गया, फोकल लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, इट इज मेजर्ड, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, एंड हम नेक्स्ट देख रहे हैं सिक्स्थ डेफिनेशन फोकल लेंथ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फोकल लेंथ,
डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ. इट इज कॉल्ड फोकल लेंथ. ओके, इट इज कॉल्ड फोकल लेंथ डिनोटेड बाय एफ. इसको एफ से डिनोट करेंगे. ओके, अगर हम डायग्राम में देखें तो यहाँ पर ये फोकल लेंथ है, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का पोल और प्रिंसिप फोकस के बीच में फोकल लेंथ एफ, और इसमें ये जो डिस्टेंस है ये एफ. ओके, तो ये सारा डेफिनेशन हम समझे. एक और छोटा सा डेफिनेशन हमको देखना है, सेवंथ, इट इज़ द अपर्चर. व्हाट इज मीनिंग ऑफ अपर्चर? ओके, अपर्चर कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज रिफ्लेक्टिंग एरिया ऑफ मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर. रिफ्लेक्टिंग एरिया ऑफ मिरर इज कॉल्ड अपर्चर, उसको हम कहेंगे अपर्चर. ओके, रिफ्लेक्टिंग एरिया इज कॉल्ड अपर्चर, और उसका डायमीटर जो होगा, उस जितने भी रिफ्लेक्टिंग एरिया का जो डायमीटर है, इट इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ अपर्चर. डायमीटर ऑफ अपर्चर, उसको हम क्या कहेंगे? डायमीटर ऑफ अपर्चर. तो ये सब बेसिक डेफिनेशन के बाद ही हम आगे के कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं. ठीक है, तो हमने सारे डेफिनेशन देखी. अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर.